माता की, बाबा साहब अंबेडकर की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। भारतीय जनता पार्टी वाले जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय बोलते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को होती है तो वो बहन मायावती जी को होती है। उनको लगता है कि ये बाबा साहब को हमसे छुड़ा ले जाएंगे। उनको लगता है जैसे उन्होंने पेटेंट करा लिया वो अंबेडकर जी को अपने वोटों के लिए। फिर तो महापुरुष कभी भी कोई न तो एक जाति का होता है न किसी एक व्यक्ति का होता है। महापुरुष अगर होता है तो वो संपूर्ण राष्ट्र का होता है। इधर मोदी जी ने नोट बंद किए, उधर नोट बदलने की चिंता बहन जी को हो गई। इधर मोदी जी ने नोट बंद किए, उधर परिवार में कुनवे में कलह बंद हो गई। कलह करना, कलह समाप्त होना, ये प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी की लिखी हुई है। ये कलह जो था पूरा का पूरा प्लान था एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना और फिर अपने नेता को ऊपर निकाल के लाना। मित्रों, उत्तर प्रदेश का जागरूक मतदाता है, ये हमने कई बार देखा है। अभी उत्तर प्रदेश के पहले लोकसभा के चुनाव हुए तब पूरे देश के अंदर किसकी सरकार बनेगी, और वास्तव में मैं तो आपका वंदन करता हूं उत्तर प्रदेश के मतदाता होने के नाते कि आप लोगों ने ऐसा निर्णय दिया कि इस कराहते हुए देश में मोदी जैसा सबल प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कारण से बन पाया। आप सब वंदन के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। जो देश पूरा का पूरा तड़प रहा था, कराह रहा था, मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री काल में रोज एक भ्रष्टाचार का मुद्दा आता था। सुरेश कलमाणी जेल में चले गए थे, कनी मौजी जेल में थी, ए राजा जेल में थे, पी चिदम्बरम गेट पर बैठे हुए थे। ऐसा लगता था कि मनमोहन सिंह की कैबिनेट की बैठक कहीं तिहाड़ जेल में ना हो जाए। उस दौर में आप सबने परिवर्तन का संदेश पूरे देश को दिया और पूरा देश अंगड़ाई लेकर पुनः खड़ा हो गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जो अमेरिका कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वीजा नहीं देता था, वो मेडिसन स्क्वायर पर रेड कारपेट बिछाकर हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करता है वो अमेरिका। पूरे विश्व के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति अगर कोई है भर के आ रहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। मित्रों, वो मनमोहन सिंह की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान किया और आज तक इन तीन सालों में, ढाई सालों में एक आरोप ये विपक्ष के लोग हमारी सरकार पर, दिल्ली की सरकार पर, एक मंत्री पर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। परिवर्तन पूरे देश के अंदर लाके दिया, विश्व के अंदर लाके दिया, विश्व की राजनीति को एक दिशा दी। भारत के स्वाभिमान और सम्मान का अगर किसी ने ख्याल रखा तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। किस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं मित्रों देश के अंदर, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है।